हतो व प्राप्यति स्वर्गम जित्वा व भोग्यसे वहीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जो क्षत्रिय हैं और जो योद्धा हैं उनके लिए ये श्लोक भागवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग से है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में अगर तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का भोग करोगे और अगर विजयी हुए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे कौन्तेय कुंती पुत्र, उठो और युद्ध का दृढ़ निश्चय करो। इस श्लोक का संदर्भ अंत में फिर लिया जाएगा। इस ध्वनि का उच्चारण करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों बाद मोदी जी पूरे देशवासियों से आह्वान करें कि सब मिलकर ओम का उद्घोष करेंगे। पिछली बार किसी ने दीप प्रज्वलित करा, किसी ने कैंडल जलाया और किसी ने टॉर्च। यह सब इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मोदी जी ने कहा था, यह सब इसलिए किया गया क्योंकि यह सही था। दीपावली पर, गृह प्रवेश पर और अग्निहोत्र के समय हम सभी दीप का प्रज्वलन करके अग्नि का आह्वान किया ही करते हैं। आप अग्निहोत्र करिए, ओम का उच्चारण करिए या दीप प्रज्वलित करिए, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव आपको अवश्य होगा। और पुरातन और सनातन काल से ही दीप का प्रज्वलन करना सकारात्मक रहा है और सही रहा है। इसीलिए ये कार्य हम सभी ने करा, ये इसलिए नहीं करा क्योंकि मोदी जी ने कहा था, और ये सही था इसीलिए मोदी जी ने भी इसे करने के लिए कहा। जैसा कि भागवत गीता में कहा है कि आत्मा अमर है, परंतु आत्मा तो सृष्टि के प्रारंभ से ही अमर है, इसे सिर्फ गीता में फिर से कह दिया गया। तो आत्मा इसलिए अमर नहीं हो जाती क्योंकि गीता में कहा गया था, अपितु आत्मा अमर थी ही इसीलिए इसे गीता में कहा गया है। अर्थात कई सत्य हमेशा से ही सत्य रहे हैं, उसे अगर मोदी जी कहें या उसे इवन या उसे अगर राहुल गांधी भी कहें तो भी वो सत्य ही रहेंगे। परंतु कई बार सत्य कार्य को करने से हम सिर्फ इसलिए वंचित रहते क्योंकि उस सत्य कार्य को करने का आह्वान या निवेदन वो व्यक्ति कर रहा है जिससे हमारे वैचारिक मतभेद है। और 70 करोड़ जनता जब एक साथ दीप प्रज्वलित करती है और उससे पहले एक साथ ध्वनि उत्पन्न करती है, उससे जो एक कलेक्टिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा का क्रिएशन होता है वो मैंने भी ऑब्जर्व करा इस टेलीस्कोप के माध्यम से। और ये सब छोड़ दीजिए, कुछ दिनों पहले भारतीय सेना के 5 जवान सीमा पर शहीद हो गए, उनके लिए दीप प्रज्वलित करिए, उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। आपका खून नहीं खोलता सुनकर कि 5 जवान हमारे लिए सीमा पर शहीद हो गए और हम यहाँ पर बैठकर न्यूज चैनल पर रूबिका लियाकत, सायमा खान और रवीश कुमार की बकवास सुन रहे हैं। मेरा साथी कर्नल नवजोत बल मौत को मात देकर शौर्य चक्र लाता है। आज उसका शरीर कैंसर से हार गया, परंतु उसकी आत्मा तो हारी हमारे देश के नेताओं और बाबुओं से तब जब उसके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए उसके माता पिता को दिल्ली से बेंगलोर तक बाय रोड जाना पड़ा और हमारी भारतीय वायुसेना एक विमान का इंतजाम ना कर सकी। इस सबसे व्यथित और चिंतित यहीं पर बैठ के कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई, आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उसको सुनकर शायद हो सकता है आप में से किसी के अंतरात्मा में कंपन हो। पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो भी वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। आपका धर्म कुछ भी हो, मानवतावादी हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या नए जमाने के धर्म निरपेक्षवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जीवंत उदाहरण ऐसे अपराधियों के उपस्थित है और मैं उनके नाम लेने में कतई संकोच नहीं करूंगा। वो तबलीगी समाज का मौलाना मोहम्मद साद हो, रविश कुमार या बरखा दत्त हो, नहीं जी रहे देश के लिए तो तुम अपराधी हो। और अदालतों के कटघरों में भी तुम प्रतिवादी हो, कपिल सिब्बल हो या प्रशांत भूषण हो, नहीं जी रहे देश के लिए तो तुम अपराधी हो। चाहे पहने तुम हो रेशम या तुम पहने खादी हो, महामारी के बीच सरकार बचाने और गिराने में व्यस्त कमलनाथ या शिवराज हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। विडंबना है और चिंतन का विषय भी कि इंदौर 4 बार स्वच्छता में प्रथम रहा, इंदौर की जनता संवेदनशील है, फिर भी आज इंदौर में 1000 कोरोना के संक्रमण है। आगे है, चाहे हो दक्षिण के प्रहरी या हिमालय के वासी हो राजा रंग महल के या कि तुम सन्यासी हो। राजा रंग महल से तात्पर्य है
कि जावेद अख्तर हो या नसरुद्दीन शाह हो, नसरुद्दीन शाह जिन्हें भारत में डर लगता है, वो भी तब जब उनके सगे भाई लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुद्दीन शाह भारतीय सेना में द्वितीय सर्वोच्च पद पर पहुंचते और वहां से सेवानिवृत्त होते। फिर भी अगर आपको भारत में डर लगता है तो आप अपराधी हो। और भले ही कितना अंतर, और भले ही कितना ही अंतर सोच में बुनियादी हो, और भले ही कितना ही अंतर सोच में बुनियादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो आप अपराधी। और अंत में श्री कृष्ण का वो श्लोक फिर से उद्घोषित करूंगा कि हतो व प्राप्ति स्वर्गम जित्वा व भोग्यसे मही तस्मात् उत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये समय है, ये समय है खुद के उठने का, ये समय है शस्त्रों को उठाने का, और ये समय है शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने का, ये समय है युद्ध के निश्चय करने का। और ये आह्वान है सनातन भारत के पुत्रों से कि उत्तिष्ट है भरत पुत्रो, उत्तिष्ट है भरत पुत्रो, युद्धाय कृतनिश्चय। जय हिंद, जय भारतवर्ष।